हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हमें एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है, यानी कि हमें एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही ईजी है, बस आपको एक बार समझना है कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल बनेगा, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि इसमें हमारा एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण के बराबर में, यानी कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें हम जो कर्ण है उसका मान वर्गमूल 2 यानी कि रूट 2 लेंगे, ठीक है। अब लंब और आधार क्या लेंगे, तो देखिए जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो लंब और आधार हम क्या लें ताकि कर्ण के बराबर में आ जाए, तो अगर हम लंब 1 यूनिट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार भी 1 यूनिट लेते हैं तो ये भी 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट 2 आ गया, जो कि इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो लंब और आधार क्या लेने पे आया है, आधार भी 1 और लंब भी 1 लेने पे आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे यहाँ पर। तो ये हम कुछ इस तरह से एक रेखा खींचेंगे यहाँ, ये आप देख सकते हैं, स्केल की सहायता से खींचेंगे। ये हम कितने भी डिस्टेंस का खींच सकते हैं, ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट कहा जाएगा। तो ये हमने खींच दिया, इसका नाम दे देते हैं इस बिंदु का, ये हमारा हो जाएगा O, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम P, यानी कि ये हमारा आगे बढ़ता जाएगा, तो इसको P1 कह देते हैं, फिर P2 होगा, P3 होगा, इसी तरह से। तो ये हमने क्या किया है, जो ये रेखा खींचा है OP1, ये हमारा 1 यूनिट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाने वाले हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आधार। तो आधार 1 यूनिट हो गया, आधार हमारा कितना था, 1 यूनिट था, और लंब भी हमारा 1 यूनिट ही है, तो इसीलिए यहाँ पर अब लंब हम खींचेंगे तो ये भी 1 यूनिट होगा। तो लंब खींचने के लिए क्या करेंगे हम कि हमारा, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमें अब सबसे पहले समकोण बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो ये हम डी की सहायता से बना लेंगे, ये कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ पर ये हम लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अपने कंपास को हम जितना ये डिस्टेंस है OP1 उतना ही डिस्टेंस खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर खोला, ये हमारा 1 यूनिट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इस पे रखेंगे P1 बिंदु पे, और इस तरह से हम यहाँ पर चाप लगा देंगे, तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया। जो आप देख रहे हैं ये वाला बिंदु और ये, यहाँ तक हमारा 1 यूनिट हो गया, जो कि लंब है, तो इसीलिए अब हम इसको O बिंदु से मिला देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया, और इसको भी हम डार्क कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। और इसमें इसका नाम दे देते हैं अब हम, ये हमारा हो जाएगा P2, इस बिंदु का नाम दे दिया हमने। तो ये P2 P1 यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा 1 यूनिट ही है। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इसके बाद ये हमारा क्या है, इसमें कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है, √2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी पे अब अगला समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो इस बार हमने इस वाले समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान √2 लिया है। अब अगला जो हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें हम कर्ण का मान √3 लेंगे। तो अब देखिए √3 हमारा कब आएगा, हम आधार और लंब क्या लें ताकि हमारा इसके बराबर आ जाए। तो देखिए अगर हम 2 यानी कि वर्गमूल 2 का स्क्वायर करते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं, तो देखिए क्या आएगा,
वर्गमूल दो का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा दो, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर एक, तो ये आ जाएगा दो प्लस एक तीन, यानी कि वर्गमूल तीन आ गया। इसके बराबर में क्या क्या लेने पे आया है, तो ये आधार वर्गमूल दो लेने पे आया है, वर्गमूल दो का स्क्वायर हो गया, और लंब एक लेने पे आया है, तो ये एक का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि आधार और लंब क्या है, आधार है वर्गमूल दो और लंब है एक। तो अब देखिए जो हमारा अगला समकोण त्रिभुज बनेगा वो इसको आधार मान के बनेगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आधार, तो आधार ये रहा हमारा वर्गमूल दो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वर्गमूल दो ही था और लंब एक यूनिट है, तो इसीलिए अब क्या करेंगे हम कि इस वाले पर अब हम लंब एक यूनिट खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, तो ये हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच लेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि हमें क्या करना है कि लंब जो है वो एक यूनिट खींचना है, तो ये हमारा जो कंपास है पहले से ही एक यूनिट खुला हुआ है, क्योंकि हमने पहले खोल लिया था, तो ये आप देख सकते हैं खुला हुआ है। तो अब हम यहाँ पर पी टू बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर चाप लगा देंगे। ये जो लाइन है इसको हम यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं ताकि इसको काटे, तो ये हमारा हो गया। अब ये बिंदु हमें मिल रहा है, तो इस बिंदु से क्या करेंगे अब हम कि इस ओ बिंदु को मिला देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से मिल गया। ठीक है, और जो ये वाला है हमारा लंब इसको हम डार्क कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया इस तरह से। अब ये भी हमारा क्या है, एक यूनिट ही है, और इसका नाम दे देते हैं इस बिंदु का हम पी थ्री, और जो ये हमारा है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला। तो इसमें ये जो कर्ण है, कर्ण का मान इस बार हमारा क्या है, रूट तीन है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि वर्गमूल दो और वर्गमूल तीन का हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया, अब हम वर्गमूल चार का बनाएंगे। तो देखिए वर्गमूल चार कब आएगा हमारा, तो इसके लिए हम अगर वर्गमूल तीन का स्क्वायर करते हैं और एक का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा। देखिए ये हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये तीन बचा और एक का स्क्वायर एक, तो ये आ जाएगा हमारा वर्गमूल चार। ठीक है, तो इसमें हमारा आधार का मान वर्गमूल तीन हो जाएगा और लंब का मान एक। आपको ध्यान रखना है कि लंब हमेशा एक यूनिट ही होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें आधार का मान वर्गमूल तीन हो जाएगा और लंब एक। तो देखिए अगला हमारा समकोण त्रिभुज इस पे बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा आधार जो कि वर्गमूल तीन पहले से ही है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम डी की हेल्प से बना लेंगे 90 डिग्री का कोण, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम डॉटेड लाइन खींच लेंगे, तो ये हमने खींच दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें एक यूनिट का एक बिंदु लेना है, तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे, तो ये हमें यहाँ पर एक बिंदु मिला है, यही बिंदु हमारा यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट हो गया। तो अब हम इस बिंदु से क्या करेंगे कि इस ओ बिंदु को मिला देंगे, तो ये हमारा हो गया। और जो ये लंब है इसको हम डार्क कर लेते हैं, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ये जो लंब है ये भी हमारा एक यूनिट ही है, और इस बिंदु का नाम दे देंगे हम, ये पी थ्री था, ये हो जाएगा पी फोर। तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमारा ये बनता चला जा रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये कर्ण है, इसका मान कितना है, वर्गमूल चार। तो इस वाले समकोण त्रिभुज के लिए ये कर्ण हो गया। अब जो अगला हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा उसके लिए ये हमारा हो जाएगा आधार। तो अगला समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें हम कर्ण का मान वर्गमूल पाँच लेंगे, फिर इसके बाद वर्गमूल छः, फिर वर्गमूल सात, वर्गमूल आठ, वर्गमूल नौ, इसी तरह से हमारा एक एक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए वर्गमूल पाँच का अब हम बनाने वाले हैं, तो वर्गमूल पाँच कब आएगा, जब हम दो का स्क्वायर करेंगे प्लस एक का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा दो का स्क्वायर चार प्लस एक का स्क्वायर एक, तो ये आ गया वर्गमूल पाँच। ठीक है,
तो आधार का मान 2 और लंब का मान 1 लेने पे आया है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि आधार तो इस बार हमारा वर्गमूल 4 है, तो आपको पता ही होगा कि वर्गमूल 4 का मान 2 होता है ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 ही तो होता है। तो ये रहा 2 हमारा, तो आधार इस बार हमारा 2 है और लंब 1 है, यानी कि आधार हम क्या कर रहे हैं कि इसको मान रहे हैं, तो इसको आधार मानते हुए अब हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये हम बना लेंगे 90 डिग्री का कोण। ये हमारा सबसे पहले डॉटेड लाइन खींचेंगे हम, तो ये हम कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमें कि एक यूनिट तक हमें लंब लेना है, तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे। तो देखिए हमें ये बिंदु मिला है, अब यहाँ तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एक यूनिट हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से ओ बिंदु को मिला देंगे, तो ये हमने मिला दिया। और जो ये हमारा लंब है इसको हम डार्क कर लेते हैं, ये हमने कर दिया, तो ये एक यूनिट है हमारा। और जो ये है, ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये हमारा वर्गमूल 5 है, ठीक है। तो इस बिंदु का आप नाम दे देंगे हम, ये P4 है, ये हो जाएगा P5। तो इसी तरह से हमारा जो है ये अब इसी तरह से आगे ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमें अगला क्या बनाना है, अगला हमें बनाना है वर्गमूल 6 का, यानी कि कर्ण का मान अब हमें वर्गमूल 6 लेना है। तो देखिए वर्गमूल 6 कब आएगा, जब हम वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए वर्गमूल 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारा 5 प्लस 1 वर्गमूल 6, ठीक है। तो इस बार हमें आधार का मान वर्गमूल 5 लेना है और लंब का मान 1। लंब हमेशा हमारा एक एक यूनिट ही चलता रहेगा। तो अब हमें क्या करना है कि इस पे हमें अब 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री के कोण के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डॉटेड लाइन खींचते हैं, तो ये हम यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, एक यूनिट का हम लंब ले रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये हम बिंदु लेंगे, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर हमें बिंदु मिला है, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा लंब हो जाएगा, इसको डार्क कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया जो कि एक यूनिट है। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से ओ को मिला देंगे, तो ये हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। और इस बिंदु का नाम दे देंगे हम P6, क्योंकि ये P5 था। अब ये जो है हमारा कर्ण इस बार वर्गमूल 6 था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद इसी पे हमें अगला बनाना है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको आधार मानते हुए सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से किया, सबसे पहले डॉटेड लाइन खींचते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे डॉटेड लाइन। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक यूनिट का लंब लेंगे, तो इस पे प्रकार के नोक रखा और इस तरह से हम चाप लगाएंगे, तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये हमारा बिंदु है, तो इस बिंदु तक लंब हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम डार्क कर लेते हैं, ये हो गया। और जो हमारा ये बिंदु है इससे ओ बिंदु को मिला देंगे, तो ये हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, जो कि ये हमारा वर्गमूल 7 हो जाएगा। और ये एक यूनिट है, ये P6 है, तो ये हो जाएगा P7। तो इसी तरह से आगे हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अब आगे करते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस पे सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा इस तरह से। और सबसे पहले क्या करेंगे हम कि डॉटेड लाइन खींचेंगे, तो ये हम यहाँ पर खींच लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक यूनिट तक के लिए चाप लगाएंगे, और जो ये बिंदु मिला है हमें, ये बिंदु तक हमारा एक यूनिट हो जाएगा, तो ये हम इस तरह से यहाँ पर डार्क कर लेंगे, और ये हो जाएगा एक यूनिट, ये हो जाएगा हमारा P8। अब हम P8 से O बिंदु को मिला देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से मिला देंगे, तो ये हो गया वर्गमूल 8, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया।
अब इसके बाद अगला हम बना लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, मैं इसको पूरा करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं मैंने जो है वर्गमूल सर्पिल ये बना लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वर्गमूल 12 तक बनाया है, ठीक है। इसके बाद आगे भी हमारा बनेगा ये, लेकिन आगे जगह नहीं था इसीलिए मैंने आगे नहीं बनाया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा ये वर्गमूल सर्पिल जो है ये बनेगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात और कहूँगा कि जो मैंने यहाँ पर ये एक यूनिट लिया है ये थोड़ा बड़ा ले लिया है, तो आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा छोटा लेना है। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक इतना ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो फिर आपको भी जगह की कमी देखने को मिलेगी। जैसे मैंने इतना बड़ा ले लिया एक यूनिट, इसीलिए मेरा ये पूरा नहीं हो पाया एक पेज में। तो आप जो एक यूनिट लेंगे वो थोड़ा छोटा लेना, ताकि आपका एक पेज में काफ़ी अच्छे से ये जो वर्गमूल सर्पिल है ये बन जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि किस तरह से हमारा ये वर्गमूल सर्पिल बनेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से वर्गमूल सर्पिल है, जो कि आपको भी इसी तरह से बनाना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।